जब बोल रहे होते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो या तो ऐसे लगता है कि गायत्री या ओम भूर्भुवस्सुवः ये जिसके विशेषण है, ऐसा परमात्मा पता नहीं कहीं किसी आकाश में कहीं दूर बैठा होगा और हम उसको बुला रहे हैं, या तो ये फीलिंग आती है, और या तो फिर हम कहीं और ही चले जाते हैं, केवल ये मुख से पाठ होता रहता है। बच्चे चालाक होते हैं ना, जब उनको पता लगता है कि पकड़े जाएंगे और फिर भी उनको बाहर जाना है तब क्या करते हैं, है? नहीं, उनको ये पता लगता है कि कमरे में चेकिंग हो सकती है और मुझे जाना भी है बाहर, तब क्या करते हैं, ऐसे झूठ मूठ और चादर बिछा के चले जाते हैं बेड के ऊपर, कि माता पिता को लगेगा कि सो रहा है, वो चला जाता है तो हमारा मन क्या चकमा देता है, बोल मंत्र बोलते रहो तो लगेगा कि हाँ यही है, तू चल, तो वाणी को तो मंत्र बोलने में लगा देता है, खुद चला जाता है। तो हमने ये आदत डाली नहीं, तो इसलिए अब ये आदत वापस हमें ही डालनी है। अब माता पिता को ही वापस आदत डालनी पड़ेगी, माता पिता को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपका हित चाहते हैं, हम आपसे प्रीति करते हैं। उनको खुद जाके बैठना पड़ेगा उनके पास, बार बार उसको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा, ताकि बच्चे को ये विश्वास हो जाए और उसको आनंद आने लगे, उसको उनके पास बैठ करके खुशी मिलने लगी। ऐसा किसको, माता पिता को ही प्रयास करना पड़ेगा। और फिर यदि एक बार इसको पता लग गया कि ये तो मेरे परम हितेशी हैं, मैं तो ऐसे वृथा ही अकेलापन महसूस कर रहा था, बार बार घूम रहा था, इनके पास तो कितने संपदा है, मुझे तो केवल 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इनके पास तो करोड़ों हैं, तो कितना रिलैक्स हो जाएगा फिर वो बालक। तो ऐसे हमारे मन को पता लगता है कि मैं तो बाहर बाहर सुख ढूंढ रहा था, बाहर से खुशियां ढूंढ रहा था, बाहर कहीं खोज रहा था, और ये तो मेरे पास ही था, तो फिर वो वहां से हटता नहीं है, सब अपने अंदर ही है, अपनी आत्मा के पास ही है। तो ये सारी सजगता जब व्यक्ति में आने लगती है, इसलिए कहा अद्विगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति। आगे बोलो, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। तो शरीर तो जो है वो जल से साफ हो जाते हैं, अद्विगात्राणि शुद्धन्ति, और मन किससे शुद्ध होता है, सत्य से, सत्य आचरण से। जब जो काम कर रहे हैं तब उसी काम में आनंद लेना, उसको देखना, उसको फील करना, उस काम की गहराई तक जाना, तो फिर उसमें आनंद आने लगता है, तब हम सच्चे होते हैं उस काम के प्रति। और ये किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन मेरा अपना है, जीवन मुझे भगवान ने दिया है, और ये मनुष्य की योनि मुझे मिली है, इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना ये मेरा अपना हिसाब किताब है, किसी का कुछ नहीं है। ये जो दूसरे हैं ना, ये जो नियमों में बुला बुला के लाते हैं, जगह जगह के लाते हैं, इनका साथ तो 5-7 साल का है, थोड़े ना वो सारी जिंदगी भर हमारे से नियम करवाएंगे, इसलिए वो उनका तो उपकार है हमारे ऊपर। नियम तो हमें खुद करने चाहिए, बुलाने वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम मेरे लिए हैं और मेरे हित के लिए हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति सोचेगा तो फिर धीरे धीरे उस ये जो सतत शब्द पढ़ा है ना यहाँ पर, तो फिर ये सतत हमारा यज्ञ होने लगेगा, सतत तप होने लगेगा, सतत दान होने लगेगा, और ये जैसे जैसे जितना जितना इसका सातत्य बढ़ता जाता है, उतनी उतनी फिर इसको खुशी मिलने लगती है इस व्यक्ति को। और नहीं तो व्यक्ति मतलब उपस्थित तो रहता है लेकिन कुछ और कर रहा होता है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, तो इसमें नुकसान अपना ही होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग को इस समय भी ये संस्कार दे रहे हैं
कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं किसी अन्य काम को करूंगा, तो अब ये फिर संस्कार बन जाता है। और संस्कार प्रकृति बनने के बाद तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है फिर कि मेरे से कोई त्रुटि हो रही है, या फिर व्यक्ति ये भाषा बोलता है कि चाहते तो नहीं है, पता नहीं है कैसे हो जाता है। हम ऐसा करना चाहते नहीं है, ऐसे बोलना चाहते नहीं है, क्लास मिस करना चाहते नहीं है, लेट आना चाहते नहीं है, हो जाता है, क्योंकि वो फिर स्वभाव बन गया। तो अपने जैसे जैसे इनके प्रति, संस्कारों के प्रति सजग होंगे, तो ये श्लोक जो है ये फिर हमें समझ में आने लगेगा। तो श्लोक क्या कह रहा है कि ये जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवादियों का सारा जो क्रियाएं हैं, यज्ञ दान तप, ये जो क्रियाएं हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं ब्रह्मवादी, तो उनके सारे श्रेष्ठ कर्म क्या हो गए? यज्ञ हो गए, क्योंकि यज्ञ भी क्या है? श्रेष्ठतम कर्म है ना। और उनके जो भी दान है, देने की भावना रहती है उसकी हमेशा, वो जहां कहीं से निकलता है तो उनसे, जैसे पेड़ पौधों से भी जब व्यक्ति की राजस्व वृत्ति है तो वो चलते चलते पेड़ पौधों को तोड़ते हुए जाता है, उनको हानि पहुंचाते हुए जाता है। और जब व्यक्ति सजग है और सात्विक वृत्ति है, तब वो पेड़ पौधों को जाते जाते उनके साथ मुस्कुरा के बात करता है, उनको प्रणाम करता है, तो वहां से वो ही मिलता है फिर वापस। तो यज्ञ दान, दान देने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो सद्भावना तो है आपके पास, तो सद्भावना का ही दान दो। तो हर जड़ और चेतन के प्रति कैसा भाव रखें? सद्भाव, प्रीति का भाव, उसको तोड़ने का भाव नहीं, उसके रक्षा का भाव, उसके प्रति मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, कृतज्ञता का भाव। ऐसे ही अपने घर में जो पक्षी पशु रहते हैं उनके प्रति वैसा भाव, तो पशु पक्षी समझते हैं, घर में जो उसके साथ प्रीति करता है उसके पास आ जाते हैं, जो पिटाई करता है उसके पास नहीं आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी, तो उसको समझ, तो सद्भावना का दान दे सकते हैं, अपनी एक मुस्कुराहट का दान दे सकते हैं जब कोई मिले तो, हम अपने एक अच्छे विचार का दान दे सकते हैं उसके लिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको दे दें, तो हमेशा दान देते रहें, कुछ ना कुछ देते रहें। कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके लिए एक भाव उठा सकते हैं ना कि आप बहुत अच्छे हैं, और भगवान करे आप जल्दी अपनी उस अच्छाई से परिचित हो के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। ये आपका स्वभाव नहीं है जो आप परेशान हो रहे हैं, ये आपका स्वभाव नहीं है, ऐसा अपने मन मन में सोच लें, तो एक दान हो गया ये उसके लिए। तो मैसेज जैसे चला जाता है ना, दिखता नहीं है जाते हुए, यहां से मोबाइल में मैसेज किया उधर मिल जाता है, या कहीं दूर देश में बैठे व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है, ऐसे हमने जो भाव उठाया वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, अपने लिए उठा रहे हैं तो हम उसको भेज सकते हैं, तो ये हमारा दान हो गया। और तप, तप इन्होंने बता ही दिया, शारीरिक भी बता दिया, वाचिक भी बता दिया, मानसिक भी बता दिया। तो शारीरिक में क्या बताया? देव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, रुको रुक रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा इसी को ही देख लो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, अब इनका पूजन करें, कैसे पूजन करें? यहाँ कक्षा चल रही है, जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, जैसे ही ओम श्री गुरु भ्यो बोला, अब मैं यहाँ कोई बात बता रही हूँ, इतनी देर में आधे तो वहां पहुंच गए सीढ़ियों के पास, फिर उनको बुला, अरे भाई बुलाओ उनको, अभी तो कुछ बात बतानी थी, फिर बोले अब तो निकल आए, कल देखेंगे। तो ये उनका अनादर होता है ऐसे, फिर ऐसे नहीं करना कभी भी, गुरुजनों का, प्राज्यों का, देवों का, इनका किसी का भी पूजन का मतलब यही होता है यथा योग्य व्यवहार, तो हमारे से अनजाने में हो जाते हैं, मतलब उनकी
अंदर से भावना ये नहीं होती है कि हम इनका अपमान करें या हम इनको कष्ट दें, पर हमारी क्रिया करने के स्वभाव ऐसे बने हुए हैं कि उन क्रियाओं से फिर उसका अपमान हो जाता है। तो फिर हम तप से नीचे आ गए। तप की श्रेणी से नीचे उतर आए हम, और कम से कम सात्विक तप तो नहीं ही रहा। ये सारा ये तप आदि हमारे को कब करना है? एक एक कर्म में, एक एक क्रिया में। कब वाणी का तप हो रहा है? वाणी का तप हो रहा है तो कौन सा हो रहा है? राजसिक हो रहा है कि तामसिक हो रहा है कि सात्विक हो रहा है? शरीर का तप है तो कौन सा तप के बारे में? अच्छा, कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति तप कर भी रहा है लेकिन उसको करते हुए भी उसको अनुभूति नहीं है कि मैं तप कर रहा हूं। कर भी रहा है पर ऐसे ही कर रहा है, बस अनजाने में ही कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो ना गंगा के किनारे और कोई उसको धक्का मार दे ऐसे, तो स्नान तो हो ही जाता है उसका भी, पर उसके मन में भाव ये नहीं होता है कि मैं इतने पवित्र जल में स्नान कर रहा हूँ, जो ताप हारिणी माँ गंगा, इस तरह के भाव कुछ नहीं होते हैं। तो शरीर तो भीग जाएगा लेकिन अंदर जो श्रद्धा वाला जो फल मिलना चाहिए था उससे वंचित रह जाएगा। तो हम कई बार तप कर भी रहे होते हैं पर हमें नहीं पता कि हम कौन कौन सा तप कर रहे हैं। तो दोनों का हिसाब रखना है, अच्छा कर रहे उसका भी हिसाब रखना है, और जहां अच्छा नहीं हो रहा है उसका भी हिसाब रख के उसको हटाना है। तो इसको सतत शब्द जो कहा है इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये अपना हिसाब किताब रखना चाहिए कि मेरा सातत्य कितनी देर चला। जैसे मानो आज हमने ये श्लोक पढ़ा तो हमें आज से फिर अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो आत्मा अपने आप से प्रीति करती हैं, जो अपने आप का सम्मान करती हैं, वो आत्मा कभी भी अच्छी चीजों को एक बार हाथ में आने के बाद फेंकती नहीं है। तो ये एक एक श्लोक हमारे पास एक हीरे जैसे हैं। भगवान कृष्ण ने जो वो योगेश्वर हैं, उस योग विद्या से जो उनको मिला वो उन्होंने हमें दिया है। तो हमें एक चीज मिली ना आज, तो ये कितनी बड़ी संपदा है हमारी। तो इसको हम संभाल के रखें, इसको संभाल के रखें। इसका क्या अभिप्राय है? आज यज्ञ दान और तप का सातत्य कितनी देर रहा? एक घंटा रहा तो कल से एक घंटा दस मिनट रखेंगे। आज दो घंटा सातत्य रहा सुबह से तो कल दो घंटा दस मिनट रखेंगे, तीन घंटा रखेंगे, फिर 12 बजे तक रखेंगे। ऐसे फिर ये बढ़ते बढ़ते, सजगता बढ़ते बढ़ते उसके बाद बन जाता है फिर स्वभाव। फिर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, फिर न चाहते हुए भी वो ही होता है फिर। तो तस्माद ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करके ही ये जो ब्रह्मवादी हैं ये सतत यज्ञ दान और तप की क्रियाओं में प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त होते हैं, जो विधानोक्त, जो शास्त्र विहित तप है, मनमाने में नहीं। इसके प्रति भी भगवान कृष्ण बहुत सजग हैं। वहां पर भी बताया था, इसके 16वें अध्याय के लास्ट में भी बताया था ना, मतलब ये मनमाने व्यवहार को अच्छा नहीं मानते भगवान कृष्ण। क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा था? अर्जुन को लग रहा था कि मैं समझदार हूं और इनको तो पता ही नहीं है, ये मतलब हमारी उसको मनस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे भगवान कृष्ण, मतलब मेरे ही परिवार से मुझे ही लड़ाने में लगे हुए हैं तो इनको पता ही नहीं है। और वो खुद को ज्यादा समझदार समझ रहा था कि अपने लोगों के ऊपर कोई बाण चलाया जाता है, इससे अच्छा तो भिक्षा मांग के खा लें, ऐसी राज्य का क्या करेंगे कि राज्य की तृष्णा के लिए अपना पूरा कुल खानदान ही तबाह कर दिया जाए। तो ये किस ढंग से चलना चाह रहा था अर्जुन? अपने मनमाने ढंग से। वो कहता था भगवान जी मैं ज्यादा समझदार हूं, आपको नहीं पता। भगवान जी कह रहे थे भाई रुक जा तू, मैं तेरे को ठीक रास्ते पे ले चल रहा हूँ, ठहर जा, जल्दी मत कर। तो वो उसको समझा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे थे यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न से सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। 23 नंबर श्लोक था ना, उसके आगे ही तो ये शुरू हुआ। और यहां फिर कह दिया विधानोक्ता, यज्ञ दान और तप की क्रियाएं ये कैसे करनी है, विधानोक्त। विधानोक्त मतलब शास्त्रोक्त, जैसे शास्त्र में कहा है। मनमाने ढंग से नहीं करना, मनमाने ढंग का तप, मनमाने ढंग का दान, मनमाने ढंग का यज्ञ वो नहीं करना। ये तामस दान यही तो बताया था कल, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र को दे देते हैं। माने जो व्यक्ति उस दान को लेकर के, और चार चीजें तो बताई थी उस दिन कि अगर कोई भूखा है तो थोड़ा खाना दे दो, लेकिन यदि वो अपात्र है तो इतना ही खाना दो कि जिसको खा करके वो कुछ गलत काम ना कर सके, उसके प्राण रक्षा हो जाए, बस उतना ही दो, उससे ज्यादा नहीं। तो चार चीजें बताई थी ना, अन्न, जल, औषधि, वस्त्र, पर वो उतना ही देना है जिससे कि उसके प्राण की रक्षा हो जाए, ज्यादा नहीं देना। उसके अतिरिक्त अपात्र को दान नहीं देना, नहीं तो वो दान लेकर के और गलत काम करेगा फिर कुछ ना कुछ, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अरे ये सब जो ये पढ़े लिखे जो पंडित लोग हैं, इन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ऐसे ऐसे शास्त्र रच दिए, ये बेचारा जो गरीब सा आदमी है ये क्या कोई इंसान नहीं है? ठीक है, ये थोड़ी शराब पीता है तो इतने मात्र से थोड़े ना ये कोई खराब हो गया। तो ये लोग भी तो ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इनको बेचारों को कोई देता ही नहीं है, उनको देते हैं जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जिनके पास बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको जा करके दान देते हैं, चलो इनको हम देते हैं। तो ऐसा करके, और वो अपने आप को समझदार सिद्ध करते हैं, इनको कोई देखने वाला ही नहीं है, हम देखने वाले हैं, हम देते हैं इनको। तो एक तरह से वो शास्त्र का अनादर कर रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं पात्र को दो आप, चार चीज में तो पात्र अपात्र कोई हो उसको भी थोड़ा दे दो। आपको अन्न का दान देना है, उसमें कोई वेद पाठी ब्रह्मचारी सन्यासी मिले तो बहुत अच्छी बात, अहो भाग्य, पर वो नहीं मिला, और कोई आपको सामान्य व्यक्ति मिल गया तो उसको भी खिला दो, कोई बात नहीं है चार चीजों में तो। लेकिन बाकी का जो दान है वो अपात्र को नहीं देना चाहिए, उसके अतिरिक्त जो है, लेकिन कुछ लोग दे देते हैं। तो फिर ये देना क्या माना जाएगा, ये मनमाना आचरण है, ये शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र नहीं कह रहा ऐसे। और इसी को आज फिर कह रहे हैं विधानोक्ता, यज्ञ भी करना है तो शास्त्र विधि के अनुसार, दान भी करना है तो जो शास्त्र बता रहा है वैसे। शास्त्र कह रहा है सात्विक दान सबसे श्रेष्ठ है, उससे एक स्टेप नीचे है राजसिक और तामसिक कदापि ना करें। और तप भी करना है तो भी तीन बता दिए हैं, सात्विक करना है तो इसमें सतत प्रवृत्त तो रहना है, लेकिन विधान के अनुसार, विधान को नहीं छोड़ना है। तत इति अनभिसंधाये फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षीभिः। मोक्षकांक्षीभिः मोक्ष की कामना रखने वाले, अर्थात इन समस्त सुख दुख से ऊपर उठ करके आनंद में या अपने स्वरूप में या परमात्मा के सानिध्य में रहने की जिनको इच्छा है, उस मोक्ष को चाहने वाले लोगों के द्वारा। तत इति अनभिसंधाय, तीन शब्द बताए थे ना ब्रह्म की संज्ञाएं, ओम, तत, सत। तो ओम का अर्थ तो क्या है, ओम का क्या अर्थ है, सर्वरक्षक। ये तो रटा हुआ होता है ब्रह्मचार्य। हाँ हाँ ठीक है। और अब ये तत् का बता रहे हैं, ओम के बाद तत्। तत् क्या है, कह रहे हैं तत् इति अनभिसंधाय। अनभिसंधाय माने वो जो तत् तत् रूप भगवान का है उसको याद करके। ओम वाला तो बोला ना कि सब क्रियाएं जो भी करें तो उसमें सबसे पहले क्या बोलें, ओम। ओम के बाद अगला आया तत्, अगली संज्ञा। तो तत् में क्या कहा, तत् इति अनभिसंधाय। तत् का अर्थ ये है कि वो ब्रह्म जो कि सब कुछ है उससे अनभिसंधाय, किसी भी प्रकार का कोई
आशा न रखते हुए। जो मोक्ष की कामना रखते हैं तो उनको इन यज्ञ तप और क्रिया से किसी फल का अभिसंधान नहीं करना चाहिए, बल्कि फलम अनभिसंधाय, फल की आशा, फल का विचार, फल की चाहना, फल की आसक्ति न रखते हुए ये क्रियाएं करें। यज्ञ सात्विक यज्ञ में भी तो यही बताया था, कर्तव्यम इति, करना ही चाहिए इसलिए कर रहा है, तो वो यज्ञ कैसा हो जाएगा? सात्विक। और किसी कामना को लेके करेंगे उसी यज्ञ को, वही क्रियाएं हैं, वही सामग्री है, पर कामना बदल गई है, तो कैसा बन जाएगा? राजसिक। और किसी को कष्ट देने के लिए लगे हुए हैं तो फिर वो तामसिक हो जाएगा, तो क्रिया वही है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि यज्ञ तप क्रिया फलम अनभिसंधाय, यज्ञ तप और क्रियाएं उनके फल को ध्यान में न रखते हुए, अर्थात उनके फल के प्रति आसक्ति न रखते हुए। आप लोग किसको देख रहे हो? दोनों, वो बेचारे सुन रहे आराम से, बोल देखो सो गया है वो कहां सो गया? जब बता रही हूं मैं, ये वही कर रहे हैं, मतलब वो दूसरों को देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हम भी उसको देखने में एब्सेंट हो रहे हैं। वो खुद तो देखा सो देखा, फिर दूसरे को दिखाया, फिर दूसरा तीसरे को दिखाएगा। ऐसे पकड़ना होता है भाई मन को, ऐसे भागता है ये, मतलब वही बातें सुनते सुनते भी भाग रहा है। इसको पकड़ के रखो, नहीं तो इसको आदत पड़ जाएगी ऐसे स्वच्छंद भागने की। तो यज्ञ तप क्रिया इसके फल को अनभिसंधाय, उसको आशा न रखते हुए, दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते। तो ये अनेक प्रकार की, विविधा माने अनेक प्रकार की दान क्रियाएं, दान क्रिया मतलब देने का, यहां तप नहीं कहा, दो ही कहा, दान क्रियाश्च, देना। तो जब हम देने का भाव रखेंगे और कर्म करने का भाव रखेंगे, श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने अब की बार जो शाश्वत प्रज्ञा लिखी है उसमें तीन बातें लिखी विशेष रूप से। पहला, खुश रहने का स्वभाव बनाई, मतलब स्वभाव ही बनाना है उसको, वो तो परिस्थिति तो बदलेंगी, कैसी भी परिस्थिति आएंगी, ऐसे थोड़ी है कि जी वो ठीक ठीक परिस्थितियां हो तब तो खुश रह लेंगे, पर जब उल्टी पुल्टी आती है तब तो फिर दुख होता ही है। पहले वाली में तो करना नहीं ना कुछ भी, अनुकूल होंगे तब तो क्या करना, कुछ नहीं करना, तब तो बिना किए ही खुशियां आती ही हैं। पुरुषार्थ तो उसी में करना है कि जब प्रतिकूल आएंगे तब भी खुश रहेंगे, एक खुश रहने का स्वभाव बनाना, और दूसरा बताया है उच्च चेतना में रहने का स्वभाव बनाए, निम्न चेतना में रहने का स्वभाव ना बनाए, और कभी आ भी गए नीचे तो थोड़ी देर में फिर अपने उसी ऊपर स्वरूप में जाने का स्वभाव बनाएं, नहीं तो खुद तो नीचे आते ही हैं, फिर वो औरों को भी लग जाते हैं रोग छूत के। और तीसरा फिर बताया अपना कर्तव्य कर्म, पुरुषार्थ, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना कैसी भी परिस्थिति में। सबसे पहले व्यक्ति काम छोड़ता है ना, जैसे ही परेशान हुआ बोले आज कक्षा में नहीं जाएंगे, क्यों? आज परेशान है, परेशान तो पहले ही है तो कक्षा में तो जा, वो कक्षा में तो चले गए लेकिन आज यज्ञ में नहीं जाएंगे, क्यों? आज मन परेशान है, मन परेशान है तब भी यज्ञ में जाओ, परेशान होके बैठ लेना। बोले अब की बार परीक्षा नहीं देंगे, क्यों? बोले तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है तो भी परीक्षा दो, तो फेल ही तो हो जाओगे, तो कोई बात नहीं है, तब तक तो पढ़ाई करो परीक्षा तक, तो उसके बाद परीक्षा दो, नहीं तो मन को भागने की आदत बन जाती है फिर। तो अपने कर्तव्य कर्म को, अपने पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ना। तो ये कह रहे हैं दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते, मोक्षकांक्षी भी, जिनको मोक्ष की कामना है वो क्रिया छोड़ते नहीं है, विशेष बात कह रहे हैं ये। नहीं तो व्यक्ति को लगता है हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें ये सब चाहिए, नहीं तो हम क्यों पढ़ें, हम क्यों परीक्षा दें, हम क्यों सेवा करें, हमें तो कोई फल चाहिए ही नहीं, हम तो यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे,
तो भाई भगवान भी तो ऐसे ही प्राप्त होगा, बिना किए थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा ना व्यक्ति को। वो कहीं भी रहे, चाहे आश्रम में रहे या घर में रहे या संन्यास में रहे या गृहस्थ में रहे, कहीं भी रहे। तो यहाँ गीता भी उसका प्रमाण दे रही है, दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। मोक्ष की कामना करने वाले विविध प्रकार के दान और विविध प्रकार की क्रियाएं, अर्थात यज्ञीय क्रियाएं, तप की क्रियाएं करते ही रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं वो कभी भी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। और वो जो भी क्रियाएं करते हैं वो उनकी दान स्वरूप होती है, देने का भाव रहता है कि हम दे दें कुछ किसी को। ये जो 3 श्लोक बच गए इसको फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।